अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ भेजा फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है और इसे किसी भी तरह की रोटी के साथ में सर्व किया जा सकता है। तो आइए बताना शुरू करते हैं कि भेजा फ्राई के लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने एक भेजा लिया है और भेजे को वॉश करने की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। डेढ़ अनियन को हमने बहुत ही फाइनली स्लाइसेस में कट कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर हमने फाइन चॉप कर लिए हैं। 6-7 हरी मिर्चों को हमने स्लिट कर लिया है। इसके अलावा हमने लिया है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। इसमें हमने लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2-3 पीस हमारे पास सिनेमन स्टिक के हैं और 1/2 टीस्पून हमने लिया है सॉल्ट। इसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने भेजे को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने 1 कप पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, यानी कि उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले अपना भेजा डालेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जो इसके अंदर स्मेल होती है और उसका कच्चापन है वो निकल जाए, इसमें हम थोड़ी सी चम्मच इस तरीके से चलाते रहेंगे, ये देखिए, और सिर्फ 2 मिनट उबाल आ जाए और फ़ौरन ही हमें बंद कर देना है। 2 मिनट ही में पकाना होगा, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। भेजे में हमारा 1 उबाल आ गया है और इसे 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इतना काफ़ी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसका पानी हम बिल्कुल ड्रेन कर लेंगे। भेजे को हमने पानी से निकाल लिया है और इसके अब हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये फ्राई करने में हमें आसानी हो जाए। जो बड़े पीस हैं उसे हम छोटा कर लेंगे, ये देखिए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे कढ़ाई के अंदर और अब इसमें हम भेजा डाल देंगे। हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल का ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि पकाने में हमें ऑयल ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो सारा जो ऑयल है वो हमारा भेजा एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे हमारे भेजे में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। इसमें जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप भेजा खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से भेजा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे इस तरीके से करते हुए। भेजे को हमने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और भेजा हमारा बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और इसने ऑयल को एब्जर्व कर लिया है। जो बड़े बड़े पीसेस हैं हम इस तरीके से तोड़ भी लेंगे इसे और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। प्लेट के अंदर निकाल लूँगी मैं इसको। भेजे को हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है। ये मैंने 1.5 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल गरम किया है। इसमें हम सबसे पहले ज़ीरा ऐड कर देंगे और जो खड़े गरम मसाले हैं इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो सिनेमन स्टिक मैं इसी तरीके से डाल दूँगी और इसमें आप ऐड कर देंगे अनियन। अनियन को थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से वरके वरके अलग करके डालेंगे। यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल, 1 चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और 1/2 चम्मच हमने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। तो इस जो अनियन हमने ऐड किए हैं, अनियन को हम थोड़ा सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क होना नहीं चाहिए। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे और जो मसाले हमने बचाए हैं उसको हम क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। जो मसाले हमने बचाए थे उनको हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि सालन में हमारा पूरा का पूरा ही मसाला यूज़ हो जाता है, अदरवाइज़ आप जब साबुत मसाले डालते हैं वो निकाल के एक तरफ रख दिए जाते हैं। तो ये हमने क्रश करके डाल दिए हैं, तो इससे क्या होगा कि सालन का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये मसाले हमारे यूज़ में आ जाएंगे। तो अभी हमें और थोड़ा सा और ब्राउन करनी है। अनियन हमारी पूरी तरीके से ब्राउन नहीं हुई है, थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन करेंगे। अनियन हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी है, बस लाइट गोल्डन करनी है। तो ये हम बाहर निकाल लेंगे, जो बच जाती है थोड़ी सी कोई बात नहीं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के बाद में डालेंगे हम 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट फुल भर कर। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को, ताकि इसमें से रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चें, सॉल्ट। गैस का फ्लेम आप स्लो कर दीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालते जाएंगे, इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने मसाले को तकरीबन 2-3 मिनट के लिए भून लिया है।
अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और हल्का सा टमाटर जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब और चीज़ें मिलाएंगे। तो 2-3 मिनट ही हमें और लगेंगे टमाटर को सॉफ्ट करने में। हमारे मसालों को भुनते हुए तकरीबन 4-5 मिनट और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो अनियन हमने निकाली थी, वो अनियन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर भेजा भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी फ्राइड हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और जो पीस हमें भेजे के थोड़े बड़े लगेंगे उसको हम इस तरीके से चम्मच से तोड़ देंगे, यानी कि छोटा छोटा कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इसमें हरा धनिया का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसके अच्छे से हम मिक्स करेंगे। भेजे के साथ हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और जो भेजा हमारा थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस थे उसको हमने छोटा छोटा कर लिया है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 100 ml के करीब। और इसमें एक उबाल आ जाए तो फिर हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ही इसको और पका लेंगे। तो उबाल आने लगा है, इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत और है तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। उबाल हमारा आने लगा है तो गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। हमारे भेजा फ्राई को पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पर और अब इसमें हम बचा हुआ हरा धनिया सारा ही डाल देंगे। इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर, क्योंकि इसमें सभी कुछ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी हमारे भेजा फ्राई में। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे, इसे 2-3 मिनट के बाद में डिश आउट कर लेंगे। ये ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, थोड़ी देर रखने के बाद आएगा। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे 2-3 मिनट के बाद में हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार भेजा फ्राई बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कर सकते हैं और किसी भी तरह की रोटी के साथ में इसको सर्व किया जा सकता है, पराठों के साथ में सर्व किया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।